तो प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है फिर? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? यदि हम संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में बात करें तो फाइनर, श्री फाइनर एक राजनीतिक विचारक हैं, उनका कथन बड़ा सही है कि प्रधानमंत्री की श्रेष्ठता इस बात से स्पष्ट होती है कि वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है, संसद का नेता है, सामान्य नीतियों से संबंधित विषयों पर राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने की कड़ी है, देश के सत्तारूढ़ दल का सर्वमान्य नेता है, सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तमान स्वरूप है और विदेश में भारत की छवि है। तो फिर क्या नहीं है? एक शासन व्यवस्था में अब क्या बचा जो प्रधानमंत्री के अधिकार के तहत नहीं आता? भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत हद तक दलीय स्थिति पर निर्भर करती है। ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा, एक सामान्य स्थिति में प्रधानमंत्री कितना ताकतवर होता है यह अब स्पष्ट है। अब कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें कई बार प्रधानमंत्री थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, यानी उसकी शक्ति में थोड़ी सी गिरावट या थोड़े कमज़ोर इसलिए दिखते हैं प्रधानमंत्री क्योंकि कुछ स्थितियां बदली हुई हैं। अब थोड़ा उस पर चर्चा करें। इसमें इस बात को याद रखें कि भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति, उसकी मजबूती, ये पावर्स तो सब प्रधानमंत्री के पास हैं, पर कई बार इन पावर का उपयोग वह अपनी इच्छा से नहीं कर पाता, दूसरे दलों से उसको बात करनी पड़ती है, सहयोग लेना पड़ता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति वास्तव में हम कहें तो दलीय स्थिति पर निर्भर करती है, दल की स्थिति पर। अर्थात अगर प्रधानमंत्री का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है या प्रधानमंत्री के दल का स्पष्ट बहुमत है तो आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष में आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। आजादी की इस लड़ाई में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, वो किसी दल के थे या नहीं थे, इन सब से परे उठ करके देश के लिए जीने मरने वाले लोग, देश के लिए जवानी खपाने वाले लोग, ये हर किसी को स्मरण करने का, पुण्य स्मरण करने का अवसर है और उनके सपनों को याद करते हुए कुछ संकल्प लेने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब संस्कार से, स्वभाव से, व्यवस्था से लोकतंत्र के प्रतिबद्ध लोग हैं और आज से नहीं सदियों से हैं। लेकिन ये भी सही है, आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र की, जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है, लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है। सबका प्रयास, इस भावना से भारत ने जो कुछ हासिल किया है, अच्छा होता उसे खुले मन से स्वीकार किया गया होता, उसका स्वागत किया जाता होता, उसका गौरवगान करते। बीते 2 सालों में 100 साल का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी का संकट पूरी दुनिया की मानव जात झेल रही है। जिन्होंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया, उन्होंने, उनको तो आशंका थी कितना बड़ा विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधता, ये आदतें, ये स्वभाव, शायद
ये भारत इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। की स्थिति बड़ी मजबूत है, तब वो जैसी नियुक्तियां चाहे, जैसी नीतियां बनाना चाहे, जैसे संदेश देना चाहे, जैसा सलाह देना चाहे, वह दे सकता है। कब? जब उसके पार्टी के सदस्यों की संख्या लोकसभा में बहुत ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा संख्या, उतनी ही प्रधानमंत्री की मजबूत स्थिति। और ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री है, वो पूरे जो तंत्र है, शासन तंत्र, उसकी धुरी बना रहता है, उसका कोर बना रहता है। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति देखिए, जब उसे स्पष्ट बहुमत न मिला हो, जैसे अभी एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका मुख्य दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान में 303 सीटें मिली हैं लोकसभा में 545 में। 303 सीट स्वयं में बहुमत से बहुत ज़्यादा है। बहुमत कितने का होना चाहिए? 273 बहुमत होता है। उन्हें 303 मिली है, यानी अपने बल पर ही प्रधानमंत्री का दल बहुत शक्तिशाली है। लेकिन चूंकि चुनाव से पूर्व गठबंधन किया था, बाकी 25 दल भी उनके साथ हैं, और इस प्रकार कुल संख्या लोकसभा में इनकी ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी निर्भरता अन्य दलों पर कम है, और इसीलिए प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनके स्वयं के दल की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं ऐसी स्थिति की, जब कल्पना करिए, जब सबसे बड़े दल की को भी कम सीटें मिली हों। कल्पना करिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को, यदि हम माने 150 सीटें मिली हैं, और अन्य 150 सीटें, 300 सीटें उसको कुल मिली, उसके गठबंधन को 150 उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, और 150 अन्य दलों को उनके गठबंधन को मिली। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की निर्भरता गठबंधन के अन्य दलों पर काफ़ी है। निर्भरता इसलिए काफ़ी है क्योंकि अन्य दलों को उसे अपने पक्ष में बनाए रखना है। यदि अन्य दल नाराज होते हैं तो वे पाला बदलकर दूसरे विरोधी खेमे में चले जाएंगे, उनके सदस्य वहां चले जाएंगे, और ऐसी स्थिति में बहुमत प्रभावित हो सकता है। और यदि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस की कुल संख्या 273 से कम हो गई तो सरकार गिर सकती है। इसलिए यदि गठबंधन का बहुमत ज़्यादा हो, और या स्वयं की पार्टी का बहुमत बहुत हो, तो प्रधानमंत्री शक्तिशाली, अन्यथा वह कमज़ोर होता जाता है। मिलीजुली सरकार का प्रधानमंत्री बनने से प्रधानमंत्री की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। आप कहेंगे एनडीए तो मिलीजुली सरकार है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस मिलीजुली सरकार में स्थिति बड़ी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को स्वयं को बड़ा अच्छा बहुमत मिला हुआ है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों पर उतनी निर्भर नहीं है, बल्कि उस गठबंधन के अन्य दल आज भी भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर हैं। वे चाहते हैं सत्ता के साथ बने रहना, और इस सत्ता के साथ बने रहने की इच्छा ही उन्हें गठबंधन में बनाए रखी है। प्रधानमंत्री की जो शक्ति है, एक ओर जहां दलीय स्थिति पर निर्भर करती है, वहीं उसकी शक्ति बहुत हद तक स्वयं के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। स्वयं के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर होती है प्रधानमंत्री की शक्ति। प्रधानमंत्री की शक्तियों कार्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक है। सर्वोच्च नेता और शासक वास्तविक स्थिति में देश का सर्वोच्च नेता भी है और शासक भी है। दलीय स्थिति थोड़ी बहुत यदि ठीक ना हो तो उसमें कमज़ोर हो सकती है, लेकिन काफ़ी कुछ उसके अपने व्यक्तिगत
पर्सनालिटी पर भी निर्भर करता है, व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि वह कितना शक्तिशाली। ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो दलीय स्थिति में बहुत कमज़ोर होते हुए भी अपने व्यक्तित्व के बल पर बड़ी सफलतापूर्वक सरकार चलाए हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का यदि आप उदाहरण देखें तो उनके प्रधानमंत्री काल में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कुछ अन्य दलों पर, गठबंधन के अन्य सदस्य दलों पर निर्भर थी, लेकिन उनके स्वयं का व्यक्तित्व इतना भारी था, इतना विशालकाय था, इतना बड़ा था कि अन्य दलों के सदस्य श्री वाजपेयी की बातों को नकार नहीं कर सकते थे। श्री वाजपेयी को पूरी इज्जत देते हुए उन्हीं के साथ बने रहने में ही अपना हित समझते थे, और इसलिए उनका वह काल, प्रधानमंत्रित्व काल 5 साल पूरा चला। सिद्धांत के रूप में ना, परंतु व्यवहार में भारतीय शासन जो है वह प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही चलता है, प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही संचालित होता है, यानी प्रधानमंत्री ही सब कुछ है। तो अब आप समझ गए हैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री बनाम राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च मुखिया होते हुए भी किक नाम रूप से केवल नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति क्यों हैं, और प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तित्व कितना अहम भूमिका निभाता है एक स्थायी मजबूत सरकार देने के लिए। प्रधानमंत्री के बारे में आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी तो है ही, साथ ही लोकसभा में उसे जितना बहुमत मिलेगा प्रधानमंत्री उतना ही शक्तिशाली होगा। बहुमत का जो समर्थन है वो उसे शक्तिशाली तो बनाता ही है, बहुमत के आधार पर ही तो वह प्रधानमंत्री है, बहुमत के आधार पर ही वह सत्ता दल का नेता बनता है। लेकिन जितना ज़्यादा बहुमत होगा वह उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, गठबंधन की राजनीति से उतना ही मुक्त रहेगा, और जैसे ही प्रधानमंत्री समर्थन खो देता है अपना पद भी खो देता है। ये उसकी बड़ी खास बात है। कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री हो, कितना भी उसको बहुमत हो, यदि समर्थन उसके साथ नहीं है तो उसे पद से उसका हटना अवश्यंभी है। प्रधानमंत्री के संबंध में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण, वह ये कि जब भी वह पद से त्याग पत्र देता है तो केवल प्रधानमंत्री का त्याग पत्र नहीं होता, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है। वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, ये इस बात को साबित करता है कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल की तुलना में उसकी स्थिति काफ़ी ऊपर है। जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य कोई भी मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद जो है अपने आप टूट जाती है, विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है। कब? उसके प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने पर या प्रधानमंत्री की मृत्यु पर, स्वतः ही मंत्रिपरिषद भंग, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व ही प्रधानमंत्री, वह व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री है उस मंत्रिपरिषद में, और उसके न रहने की स्थिति में उस मंत्रिपरिषद का औचित्य ही नहीं। इसके विपरीत यदि किसी मंत्री की मृत्यु होती है या वो त्याग पत्र देता है तो केवल उस पद में रिक्तता उत्पन्न होती है जिस पद से मंत्री ने त्याग पत्र दिया है या मृत्यु हुई है, केवल उस पद की रिक्तता होती है और जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है, चाहे तो भरेगा रिक्त स्थान को, चाहे तो नहीं भरेगा और उसे खाली रहने देगा। इससे भी ये साबित होता है कि मंत्रिपरिषद बनाम प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री की स्थिति 20 ही बैठती है। मंत्रिपरिषद के आकार को लेकर एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा। प्रारंभ में परंपरागत रूप से 10% लोगों को मंत्री बनाया जाता था, जैसा मैंने बताया, बहुमत दल या बहुमत गठबंधन
जो भी गठबंधन जो सत्ता में है उसकी जो संख्या है लोकसभा में उसके 10% लोगों को, तो करीब 55-60 के बीच उनकी संख्या पहुंचती। 2003 में 91वां संशोधन होता है, संविधान संशोधन 2003, इसमें ये उपबंध किया गया, ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इस प्रकार थोड़ा सा परिवर्तन हम देखते हैं मंत्रिपरिषद की साइज के संबंध में, उसके आकार के संबंध में। गठबंधन सरकार की कमजोरियों या गठबंधन सरकार की राजनीति के पहलुओं की बात करें तो उसमें एक बात यह भी है कि गठबंधन के कारण जो राजनीतिक सहयोगी रहते हैं, जो उस गठबंधन का हिस्सा है, जिनके बल पर सरकार चल रही है, तो उनमें परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। एक दूसरे से परामर्श करना, सलाह मशवरा करना, ये बहुत बढ़ गया है। और इससे क्या हुआ है कि जो प्रधानमंत्री की स्वयं की सत्ता है, प्रधानमंत्री की जो स्वयं की ताकत है, वो कमज़ोर नज़र आ रही है। क्योंकि परामर्श का अर्थ ये हुआ कि दूसरे दलों के सहयोग के बिना मैं कुछ निर्णय लेने में असमर्थ हूँ, या मैं निर्णय नहीं ले सकता, या मुझे निर्णय नहीं लेना चाहिए, अन्यथा कोई सहयोगी दल नाराज हो जाएगा। ये नाराजगी का भय और किसी सहयोगी दल के गठबंधन से टूटने का भय प्रधानमंत्री को कमज़ोर बनाता है गठबंधन की राजनीति में। इससे प्रधानमंत्री के जो विशेषाधिकार हैं, जैसे मंत्रियों का चयन, उसके पद के स्तर को तय करना, उसके मंत्रालय का चयन, और कितने मंत्री किस दल से आएंगे, इस बात पर लेकर बहुत मोल भाव, बहुत लेन देन से मेरा तात्पर्य है विचार विमर्श, परामर्श बहुत होता है। ये भी प्रधानमंत्री को बड़ा कमज़ोर लगाता बनाता है, और बल्कि कहना चाहिए कि उनके पर मंत्रालय के चयन पर प्रधानमंत्री पर के की शक्ति में एक तरीके से अंकुश लग जाता है। सभी दल अच्छे विभागों की अपेक्षा करते हैं, सभी दल ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री अपने दल के होने की अपेक्षा करते हैं, सभी दल अच्छे से अच्छे रैंक की अपेक्षा करते हैं, चाहे कैबिनेट स्तर का हो या मिनिस्टर ऑफ स्टेट का हो, आदि आदि। और उनकी इन अपेक्षाओं और जरूरत के बीच का जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री पिसता रहता है, और कई बार देखा गया कि वास्तव में वह बड़ा कमज़ोर असहाय महसूस होता करता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं गठबंधन की राजनीति में कि प्रधानमंत्री जो है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर पाता, उसे सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श करके सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, उनके प्रोजेक्ट्स आदि तय करना होता है। इसीलिए जब शुरू में गठबंधन आए थे तो उसमें कई बार विरोधाभास हुआ और संघर्ष की स्थिति बनी, विचार संघर्ष की, और अंततः सरकारें टूटी या गिरी। इसे रोकने के लिए बाद में गठबंधन की राजनीति में एक शब्द जुड़ा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, जिसमें गठबंधन ने तय कर लिया पहले से ही, विभिन्न दलों ने, गठबंधन के विभिन्न घटकों ने, कि किन चीज़ों पर हमारी सहमति होगी और किन मुद्दों पर जिस पर हम असहमत हैं उसे हम दरकिनार रखेंगे, उसे हम पीछे रखेंगे, ताकि हम दलों के अंदर मन मुटाव ना हो। और इस प्रकार ये साझा मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक ऐसा जरिया था जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित करने की कोशिश थी कि गठबंधन सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करें, सफलतापूर्वक पूरा करें। मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व के मायने क्या हैं, ये तो हम समझ गए।
थोड़ा सा और इसमें हम स्पष्टीकरण यदि करें तो यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो संसद की कार्यकारी समिति है। बिल्कुल है वैसे ही, संसद की कार्यकारी समिति, ऐसा इसको मान ले, और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। आखिर मंत्रिपरिषद है क्या? संसद का ही तो प्रतिनिधित्व है और संसद के ही लोग हैं। तो ऐसा मान लिया जाए कि जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से शासन करती है संसद के प्रतिनिधि के रूप में, और इसीलिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसके पीछे भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास पारित होगा तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ेगा, जैसा आपको पूर्व में बताया गया। प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसके व्यक्तित्व पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि वह कितना शक्तिशाली है, और उसके साथ ही संवैधानिक शक्तियां भी उसको मिली हुई हैं। लेकिन तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों को देखें तो प्रधानमंत्री की शक्तियों, आपको लगेगा कि समय के साथ साथ कुछ इसमें बदलाव हो रहा है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तो प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली रहा, निर्विवाद रूप से शक्तिशाली रहा। ये तो बारंबार इस बात को कहा गया है। और जब राजनीतिक दलों की गठबंधन की सरकारें बनी तब कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए भी सत्ता में नहीं रह सकी। इसके अतिरिक्त गठबंधन के समय प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की भूमिका बढ़ी है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है, स्पष्ट बहुमत, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से चयन करता है। ये विवेक से चयन का जो विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति के द्वारा इसके उपयोग किए जाने की जो प्रैक्टिस है वो बढ़ गई है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत किसी दल को ना मिलने की प्रथा भी आम चुनाव में या मध्यावधि चुनाव में बढ़ गई है।